हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक। तो ये बेसिकली क्या करेगी, हर एक हफ्ते की सबसे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है एग्जाम रिलेटेड, इसको इन एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको डिस्कस किया जाएगा हर रविवार। तो ये आज 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई, यानी आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इनको डिस्कस किया जा रहा है। पहली न्यूज है बेसिकली है इंडियन साइंटिस्ट, जो कौन से देश के साइंटिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने एक नया जीन जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ रिलेटेड है NPRT1 इसका आइडेंटिफिकेशन किया है। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली भारतीय जो साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के 18 साल के मेहनत के बाद जो ये जीन की डेवलपमेंट की है, और इस जीन ये जो भारतीय टीम के लीडर था इनका नाम था साइंटिस्ट के आर थारा। तो इसका जो आंसर है, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। राजस्थान की ऐसी कौन सी शहर है जिसको हाल ही में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा वो प्राप्त हुआ है। तो बेसिकली ये जो यूनेस्को का जो एक सेशन हाल ही में चल रहा था, ये अजरबैजान का जो कैपिटल था बाकू में चल रहा था, तो यहाँ पे ये दर्जा प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर का जो स्थापना हुई थी 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और इंडिया में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र में 5। भारतीय गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके साथ मिलकर एक टैक्स साइन किया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंड्यूस करेगी एग्रीकल्चर में। जो बेसिकली क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेदर टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस करेगी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और इसके लिए कुछ पायलट सर्वे भी किया जाएगा। तो इसका जो पायलट सर्वे है, पायलट सर्वे बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि भोपाल, राजकोट और नांदेड़ जो महाराष्ट्र में है, इन 3 स्टेट्स में 3 सिटीज में इसका पायलट सर्वे होगा। तो इसका सही आंसर है IBM। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको नीति आयोग का एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स के द्वारा सबसे ऊंचा दर्जा हासिल हुआ है। तो ये इसका ये बेसिकली क्या करेगी, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो रिफॉर्म्स करेगी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर जो एग्रो बिजनेस है उसका इंडिकेटर जो है ईज ऑफ डूइंग एग्रो बिजनेस उसका इंडिकेटर इसको रिवील करती है। तो इसके हिसाब से सबसे ऊपर इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इराक के कौन से शहर को हाल ही में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर है बेबीलोन। तो बेबीलोन बेसिकली एक एंशियन मेसोपोटामिया के अंतर्गत था, ये अभी इराक में है, जिसका स्थापना 4000 साल पहले हुई थी यूफ्रेटस रिवर के पास। और बेबीलोन जो फेमस है ये हैंगिंग गार्डन की वजह से फेमस है। इराक के PM का नाम है आदिल अब्दुल महदी। कौन सी ऐसी भारतीय खिलाड़ी है जिसको पोलैंड में चल रही पुंटू एथलेटिक्स मीट में 2000 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक हासिल है, इसका आंसर है हिमा दास। हिमा दास आसाम की खिलाड़ी है जिनको ये दूसरा स्वर्ण पदक मिला था। पहला स्वर्ण पदक उनको मिला था जो वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में ये हेलसिंकी फिनलैंड में हुई थी, वहाँ पे उनको स्वर्ण पदक मिला था। ये भारत की पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाली एथलेटिक। देन नेशनल क्रिकेट एकेडमी किसको अपना हेड ऑफ द क्रिकेट चुना है, तो इसका सही आंसर है राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ बेसिकली क्या करेंगे, जो इंडिया ए, इंडिया अंडर 19, अंडर 23 इनके जो क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज है इनको मॉनिटर करेंगे। तो राहुल द्रविड़ को 2018 में इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में जगह मिली थी, ये 5वें भारतीय खिलाड़ी है। इससे पहले सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और अनिल कुंबले को ये दर्जा हासिल है। भारत में किस सिक्स सिग्मा माउंटेन मेडिसिन और हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू के हिसाब से कौन से स्टेट में इसका स्थापना की गई है, तो ये बेसिकली रुद्रप्रयाग में स्थापना की है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो बेसिकली ये क्या करेगी, 1200 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी यहाँ पे, और एक स्पेशलाइज हेल्थ केयर होगा वहाँ पे, एडवांस एजुकेशन होगा और एक रेस्क्यू ट्रेनिंग भी होगा वहाँ पे, और इसकी कुल लागत जो है ये जो है 750 करोड़ रुपये। और उत्तराखंड के जो CM है उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। बुज बीम जो एक कल्चरल लैंडस्केप है जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, ये कौन सी कंट्री से है, ये बेसिकली एक ये ऑस्ट्रेलिया से है।
इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ये गुंडातीमारा नाम के एक ट्राइब पहले रहती थी, तो 6600 साल पहले ये जो लैंडस्केप का इन्होंने क्रिएशन किया था, जो बेसिकली सबसे दुनिया की पुराना फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा और सबसे बड़ी सिटी है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम है स्कॉट मॉरिसन। ऐसी कौन सी संस्था है जिन्होंने 3 ईयर का एक रोड मैप उत्तराक्ष 2022 का फाइनलाइज किया है? तो ये बेसिकली फाइनलाइज किया है आरबीआई ने। हाल ही में आरबीआई के जो गवर्नर, पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो इनकी जो ग्रोथ रेट है ये 8% तक बढ़ानी पड़ेगी। और कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है जैसे कि रेपो रेट, आपको पता होगा हर 2 महीने रेपो रेट को इम्प्रूव कर मॉडिफाई किया है। तो अभी करंट रेपो रेट जो है वो है 5.75%, रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 5.5%, कैश रिजर्व रेशियो वो जो है वो है 4%, और जो SLR स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो वो है 19.5%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना चाहिए आपको। अभी जो RBI के गवर्नर है, करेंट गवर्नर, उनका नाम है शक्तिकांत दास और RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर भारत के कौन से राज्य में खोला गया है? तो एलिफेंट जो रिहेबिलिटेशन सेंटर उसका नाम है पुनर्वास केंद्र, ये खोला गया है केरला के पुट्टूर नाम के एक जगह में। तो इसमें बेसिकली एक एलिफेंट म्यूजियम होगा, एक माउथ ट्रेनिंग सेंटर होगा, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, एक जानवरों के लिए एक स्मशान भी होगा, और यहाँ पे जो ऑर्फेन जानवर है उनकी भी देखभाल की जाएगी। और भारत की पहली जो हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया था, ये खोला गया था मथुरा में। भारत के पहला जो कामधेनु गांव अभयारण्य है वो कौन से स्टेट में खोला गया है? तो ये खोला गया है मध्य प्रदेश के आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में। सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो हर कांग्रेस गवर्नमेंट में जो MP के गवर्नमेंट है उन्होंने जो ये गौ अभयारण्य उनको प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की थी जब उनकी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। तो ये जो अभी MP गौ संवर्धन बोर्ड है, तो ये इसका इन्होंने इसका डेवलप किया है और इनकी जो कुल लागत है 32 करोड़। भारत की भारतीय सरकार ने एक एटलस जारी की है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमी उसके ऊपर डिटेल से जानकारी हासिल हो सकती है। एटलस का नाम क्या है? तो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और परसिस्टेंट सिस्टम, इन दोनों की जॉइंट वेंचर के हिसाब से ये एटलस की डिज़ाइन किया है, ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है जो ह्यूमन एनाटॉमी को डिटेल में स्टडी करेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कुल लागत है 20 करोड़। तो इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट मानव। नासा ने प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई जो सौरमंडल के कौन से सोलर सिस्टम के लिए स्टार्ट किया है? प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई। तो ये सही आंसर है इसका शनि ग्रह सैटर्न। तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन, तो टाइटन ने ये जो प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई जाके इसमें लाइफ की खोज करेगी। तो ये स्टार्ट नासा करेगी 2026 तक, ये चलेगी 2034 तक, और उसकी जो कुल लागत है $1 trillion। नासा ने 2004 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट कसीनी प्रो। ये शनि ग्रह में जाने वाली पहली प्रोजेक्ट थी वो जो शनि ग्रह की उन्होंने स्टडी की थी। कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन दिया है कि उन्होंने जो पद्मश्री अवार्ड विनर है उनको हर महीने 10,000 का मंथली पेंशन मिलेगा? तो पद्मश्री जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद। और इसका अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्ट है जैसे कि आर्ट्स हो, एजुकेशन हो, लिटरेचर हो, इंडस्ट्री हो, सिनेमा, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, सोशल सर्विस या पब्लिक अफेयर्स रिलेटेड, उनको सम्मानित किया जाता है। इस पहला ये स्टार्ट हुआ था 1954 में और ये इसका सही आंसर जो है उड़ीसा। इस बार जो भारत रत्न दिया गया है भारत रत्न दिया गया प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। कौन सी ऐसी भारतीय खिलाड़ी है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2019 में उनको 100 मीटर की जो रेस है उनको स्वर्ण पदक हासिल हुआ? तो इसका सही आंसर है दूती चंद। उड़ीसा की खिलाड़ी है, ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी है जिसको इंटरनेशनल एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल हुआ है हिमा दास के बाद। तो हिमा दास ने जो कुंतू एथलेटिक्स मीट पोलैंड में चल रही है वहाँ पे उनको स्वर्ण पदक भी हासिल हुआ। और ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है ये हुई थी नेपोली, इटली में। और हिमा दास को आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए हिमा दास
से, रीमा दास भी असम से है, रीमा दास एक प्रोड्यूसर है और हिमा दास एक खिलाड़ी है। रीमा दास ने एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की थी विलेज रॉकस्टर्स, जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम खोला गया है जो कैदियों को स्किल इम्प्रूव करने के लिए मदद करेगी? तो इसका जो सही आंसर है ये है बोंगाईगांव। तो बोंगाईगांव में जो खोलने वाली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा जो कैदियों के। और एक न्यूज़ जो जेल से रिलेटेड है उसको है, ये बेसिकली जो केरला के जेल ने टाई अप किया है स्विगी के साथ। तो ये टाई अप क्या होगा कि केरला के जेल के जो कैदी है वो स्विगी के लिए बिरयानी बनाएगी और बिरयानी जो है स्विगी सेल करेगी 127 रुपये में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किसको मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही आंसर है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने जो अभी तक दूसरे सबसे ज़्यादा गोल इंटरनेशनल गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ी, मतलब जो अभी भी खेल रहे हैं, ये 70 इंटरनेशनल गोल इन्होंने अभी तक किए हैं। और पहले नंबर एक्टिव खिलाड़ी के हिसाब से पहले नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 149 इंटरनेशनल गोल्स अभी तक किए हैं। और जो फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जिसको चुना है, उनका नाम है आशा लता देवी, जो मणिपुर के खिलाड़ी हैं। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, इनको फीफा ने अपने काउंसिल मेंबर में भी शामिल किया है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने हाल ही में वीकनेस प्रोटेक्शन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है? तो ये बेसिकली सेंटर ने जो 2018 में वीकनेस प्रोटेक्शन स्कीम निकाला था, इनको इम्प्लीमेंट करने वाली एक स्टेट बन चुकी है। तो इसमें तीन कैटेगरी है अलग अलग कैटेगरी में जो वीकनेस को प्रिवेंट प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लाइफ रिलेटेड हो, उनकी सेफ्टी रिलेटेड, उनकी हेल्थ रिलेटेड, उनकी रेपुटेशन रिलेटेड, तो अलग अलग कैटेगरी है, उनपे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सही आंसर है उड़ीसा। और हाल ही में हांगकांग ने ये अप्रूव किया है कि उड़ीसा में जो साइक्लोन हुआ था, साइक्लोन में जो उनकी डिजास्टर हुई थी, तो उनके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट को हांगकांग $9 million की हेल्प करेगी। और उड़ीसा की 2018-2019 के जो स्टेट GDP है वो है 8.4%। प्लान बी क्या है कि बेस्ट इनोवेशन अवार्ड है जो इंडियन रेलवे ने दिया है, कौन सी रेलवे जोन को मिला है? तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन। तो प्लान बी बेसिकली क्या होता है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर ये बेसिकली एक डिवाइस इंप्लीमेंट करेंगे जो मधुमक्खियों की तरह साउंड करेगी। तो बेसिकली क्या होता है, जो हाथी होती है वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करती है और ट्रेन आके ट्रेन के साथ उन लोग की टक्कर होकर हाथियों की मौत भी होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको अगर ये साउंड करेगी मधुमक्खी की तरह, हाथी इसके पास नहीं आएंगे, तो हाथियों की लाइफ सेविंग होगी। बहुत ही एक इम्प्रूव इनोवेटिव आइडिया है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को मिला है, और इसकी कुल राशि जो है 3 लाख रुपया। और ये भी एक रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ है, जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से पहली जो इंडिया के रेलवे स्टेशन है जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। वोमेन स्टार्टअप समिट 2019 कहाँ पे हुई? तो ये वोमेन स्टार्टअप समिट जो है ये नई जो वोमेन एंटरप्रेन्योर है इसको एनकरेज करेगी। तो इसका जो सही आंसर है केरला, ये केरला के कोची में हुई थी। तो केरला के जो CM है उनका नाम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है पी सतवा शिवम। फ्रांस ने एक डिजिटल टैक्स इंप्लीमेंट किया है, वो डिजिटल टैक्स कौन सी कंट्री में इंप्लीमेंट किया है? तो फ्रांस ने बेसिकली कुछ जो डिजिटल टैक्स वो जो फ्रांस में 25 मिलियन जो यूरो से ज़्यादा अगर कोई भी कंपनी कमाएगी तो ये उनको टैक्स पे करना होगा। फ्रांस ने कुछ महीने पहले एक गाफा टैक्स भी इंप्लीमेंट किया था, जो कुछ जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं जैसे कि गूगल हो, अमेजन हो, फेसबुक हो, एप्पल हो, तो उनके ऊपर ये टैक्स इंप्लीमेंट किया था। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनेस्को, OECD, फेडरेशन एक्शन FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनकी हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। तो इसका जो सही आंसर है यूएसए के ऊपर फ्रांस ने डिजिटल टैक्स इंप्लीमेंट किया है। प्रसार भारती हाल ही में कौन से IIT के साथ एक कोलेबोरेशन किया, एक MOU साइन किया है? ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल ब्रॉडकास्टिंग है जैसे कि 5G कवरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर ध्यान देगी। तो प्रसार भारती बेसिकली एक इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, जिसको पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी शामिल किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है
आईआईटी कानपुर। ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है क्रियाकोस मिटासो टाकिस। नाम बोलना थोड़ा मुश्किल है, इसको याद रखिएगा। कौन सी इंडियन मूवी है जो साउथ कोरिया में होने वाली 23वीं ड्यूचन फिल्म फेस्टिवल में उनको नेटवर्क अवार्ड मिला था? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर है गली बॉय। तो ये बेसिकली ड्यूचन फिल्म फेस्टिवल साउथ कोरिया में होता है जो एशियन सिनेमा को प्रमोट करती है, और ये जो गली बॉय मूवी है ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाली, जो मेलबोर्न में होने वाली इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई जाएगी। इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग ये कहाँ पे हुई थी? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, दिल्ली में हुई थी। और इसके जो चेयरमैन था ये थे डॉक्टर राजीव कुमार, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी हैं। और 2018 में नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन के साथ एक MOU भी साइन की हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी 2018 में। कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सी ऐसी धारा के हिसाब से भारतीय गृह मंत्रालय ने उनको सिख फॉर जस्टिस के हिसाब से बैन कर दिया गया? तो ये बेसिकली क्या है कि एक ऑनलाइन कैंपेन है जो सिर्फ रेफरेंडम 2020 के हिसाब से, तो ये ऐसा डिमांड कर रही है कि पंजाब को एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। तो भारतीय जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के हिसाब से ऐसी अगर कोई एंटी नेशनल काम करेगी तो उनको बैन कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 3(1). बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फ्रांस ने कौन से ऐसी कंट्री है जिन्होंने ग्रीन टैक्स इंप्लीमेंट किया है प्लेन टिकट खरीदने के बाद? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस ने क्या किया कि अगर आप फ्रांस से जाने वाली कोई भी विदेशी भर्ती पर जाने वाली टिकट खरीदे तो आपको 18 यूरो तक टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स जो बेसिकली एक ग्रीनर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लिया गया है। लास्ट ईयर स्वीडन ने भी सेम टाइप का एक टैक्स का इंप्लीमेंट किया था। प्रोसेको हिल्स जो है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, तो ये कौन सी कंट्री है? तो इसका सही आंसर है इटली, ये इटली में है। और ये जो बेसिकली प्रोसेको हिल्स फेमस है अंगूर के प्रोडक्शन के लिए जो स्पार्कलिंग वाइन में यूज हो जाता है, और ये इटली की 55वीं ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा मिला है। कौन से ऐसे वेट लिफ्टर है जिनको 2019 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो आपिया में चल रही है इसको उनको स्वर्ण पदक मिला है 81 कैटेगरी में? तो इसका सही आंसर है अजय सिंह ने 190 kg का लिफ्ट किया है क्लीन एंड जार्ड कैटेगरी में, जो नेशनल रिकॉर्ड है, वो अपने वजन से दोगुना उन्होंने उठा लिया। और पापुल चांगमाई को भी 81 कैटेगरी में सेम कंपटीशन में सिल्वर मेडल मिला है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप को आप लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अलग होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 होने वाली है बर्मिंगहम में, और 2018 कहाँ पे हुई थी? 2018 हुई थी गोल्ड कोस्ट सिटी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। और भारत ने हाल ही में कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया है। किनको सेक्रेटरी ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स चुना गया है? तो इसका सही आंसर है विकास स्वरूप। इससे पहले इंडिया के हाई कमिश्नर रह चुके हैं कनाडा के लिए, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी QMA, और जिससे इंस्पायर होके स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी बनी थी। तो ये ऑस्कर विनिंग मूवी है। तो ये जो बुक है QMA, इससे इंस्पायर हुई थी, और QMA को वीकली प्राइज 2006 से सम्मानित हुआ था, और पेरिस बुक फेयर्स रीडर्स प्राइज भी इनको मिला था QMA बुक फेयर से विकास स्वरूप। ऑपरेशन ट्रस्ट जो है कौन से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है? ऑपरेशन ट्रस्ट जो है बेसिकली एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसको ऑपरेट करेगी। तो ये बेसिकली क्या है कि जो इलीगल तरीके से जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की सेल की जाती है इसको बंद करेगी। तो इसका सही आंसर है इंडियन रेलवे। ग्लोबल 2019 की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसका रिलीज किया है? ये सही आंसर है इसका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें यह बोला गया है कि भारत में 2006 से लेकर 2016 तक 27 करोड़ जो ऐसे लोग हैं जिसको पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और जो MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अलग अलग कुछ फैक्टर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन,
स्टैंडर्ड होगी, इसके हिसाब से देख करके ये इंडेक्स जारी करते हैं। और कुछ जो इंटरनेशनल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 63, देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 131, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 57, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग है 77। यूरोपियन पार्लियामेंट के नए प्रेसिडेंट किन को चुना गया है? तो इसका सही आंसर है डेविड ससोली, ये इटली के सिटीजन है। ये प्रेसिडेंट रहेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट का 2022 तक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड आर मलपास, दोनों का नाम डेविड है, एक है जो ससोली यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट और मलपास जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। ग्लोबल पहली जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम ये कौन सी सिटी में इसका आयोजन हुआ? तो ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम ये यूके और कनाडा ने मिलकर की थी, तो इसका सही आंसर जो है लंदन, लंदन में इसका आयोजन हुआ था और भारत के प्रसार भारती और इंडियन प्रेस काउंसिल ने अटेंड किया था ये कॉन्फ्रेंस। इंडियन आर्मी ने हाल ही में एंटी टैंक एक स्पाइक मिसाइल ऑर्डर किया है, तो कौन सी कंट्री से इन्होंने ऑर्डर किया है? तो इन्होंने ऑर्डर किया है इसराइल से। तो ये जो पावर इंडियन आर्मी को दिया गया है ये आफ्टर पुलवामा अटैक के बाद ये गवर्नमेंट ने पावर दिया है कि आप लोग कोई भी जो डिफेंस सिस्टम ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग के कंसल्ट के बाद। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि याद रखनी चाहिए हमको, देखिए भारत की सबसे लंबी रेंज एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? नाम उसका नाम है पृथ्वी एयर मिसाइल, जिसकी रेंज है 300 से लेकर 2000 किलोमीटर। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल कौन सी है? उसका नाम है ब्रह्मोस, और जिसकी स्पीड है 2100 से लेकर 300 माइल्स प्रति घंटा। सरफेस टू सरफेस सबसे लंबी रेंज मिसाइल है उनका, उसका नाम है अग्नि सिक्स, जिसकी रेंज है 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की मिसाइल वोमेन किन को कहा जाता है? थेदी थॉमस को, और जो अग्नि 4 है, अग्नि 4 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और भारत के मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2017, ये 2017 होना चाहिए, 2017-2018 के हिसाब से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप करने वाली स्टेट कौन सी है? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़, और दूसरी रैंकिंग पे आई थी केरला, केरला के बाद गुजरात। और तो ये भारत की जो 29 स्टेट्स है और जो 7 यूनियन टेरिटोरी है इनको मिला के इसका सर्वे किया गया। तो सबसे नीचे है अरुणाचल प्रदेश और सबसे ऊपर है चंडीगढ़। और लिटरेसी रेट के मामले में केरला सबसे ऊपर है, उसके बाद है लक्षद्वीप और उसके बाद मिजोरम। कौन सी ऐसी स्टेट ने डिक्लेयर, कौन सी ऐसी कंट्री ने ये डिक्लेयर किया कि वो एक नेशनल मिलिट्री स्पेस फोर्स का गठन करेंगे? तो ये डिक्लेयर किया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने, जो फ्रांस का बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन हुआ था वहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया था। और ये भी बोला गया है कि 2019 से लेकर 2025 तक फ्रांस मिलिट्री के ऊपर 3.6 बिलियन यूरो का खर्चा करेगी। तो आज के हमारे साप्ताहिक जो वीकली करंट अफेयर्स में बस इतना ही, और हर संडे हम लोग पूरे सप्ताह के जो इम्पोर्टेंट MCQ करंट अफेयर्स MCQ फॉर्मेट में हम लाएंगे। तो आप लोग को हर संडे ये देखना है साप्ताहिक। तो नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे, एक रिविजनल वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख के जाना है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू एंड जय हिंद।